हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए हम हैं द गुज्जू फैमिली इन कनाडा। तो आज मैं लेकर आई हूँ और एक नया वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कूल्स के बारे में कनाडा में। आज हमारी बेटी पीहू सेकेंड ईयर करने वाली अपनी स्कूल का, मतलब लास्ट ईयर उसने स्कूल स्टार्ट किया था। वो जूनियर किंडरगार्टन में थी और अभी वो एसके में, मतलब सीनियर किंडरगार्टन में आज से उसने स्टार्ट किया है। तो मैं पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग कनाडा में आते हैं तो एडमिशन कैसे लेना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। उससे पहले आप सुबह का वीडियो देख लीजिए। शी वॉज सुपर एक्साइटेड टू गो टू स्कूल और फॉर मी इट्स लिटल बिट मिक्स फीलिंग बिकॉज पूरा दिन घर पे रहती है और आई मिस हर, आई रियली मिस हर। तो आप पहले सुबह का वीडियो देखिए एंड देन वी विल कंटिन्यू। सो लेट स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रेडी फॉर स्कूल? या। और अब हमें प्लांट्स अंदर लाने पड़ते हैं। रात को टेम्परेचर बहुत ही लो होता जा रहा है। देखिए ये पूरा सूख गया है क्योंकि फॉल स्टार्ट हो गया है। तो ये है पीयू, तू तो वैली वैली उठी गई बेटा। क्या जवान हो शायद स्कूल वाला, अबे तो वल्लू वल्लू टू पर्स। ओके, एक्साइटेड? तो मैंने अभी पीहू का लंच पैक कर दिया है। इसमें मैंने दो रोटी दी है भिंडी की सब्जी के साथ और क्रीम रोल दिया है, उसे बहुत ही पसंद है, और स्ट्रॉबेरीज। तो इस तरह से मैंने पैक कर लिया है उसका लंच बॉक्स। और वो लोगों को दो ब्रेक्स होती है क्योंकि हमें बताया था कि आपको दो लंच भेजने हैं, फर्स्ट ब्रेकफास्ट एंड देन लंच। तो ये है शक्करपारे और चीज़ उसके दूसरे ब्रेक के लिए। तो दैट्स हाउ इट इज़। ये मैंने दोनों उसके लंच बॉक्सेस रेडी कर दिए हैं उसकी दो ब्रेक के लिए। और अब हम इसे रख देंगे अंदर क्योंकि उसका बैग बाहर छोड़ के सिर्फ लंच बॉक्स ही लेके जाना है अंदर। तो उसके लिए हमने ये रखा है क्योंकि उसके लिए ईजी रहे। तो उसके साथ मैं दे रही हूँ फोक एंड स्पून और बस। तो ऐसे बंद कर लेंगे। पीहू ने मेरी हेल्प करी है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है स्कूल में जाने के लिए। उसका फेवरेट लंच मैंने दिया है, उसने मुझे बता दिया था कि उसको क्या लेकर जाना है, तो उस हिसाब से मैंने उसका लंच रेडी कर दिया है। तो ये दे देते हैं हम पीहू को ताकि वो उसके स्कूल बैग में रख दे। ऊपर हमने नाम भी लिख लिया है क्योंकि अगर सेम है तो बदल ना जाए। लंच बॉक्स के साथ ये है पीहू का वाटर बॉटल। बड़ा सा वाटर बॉटल देना था ताकि उसको पूरे दिन चल सके। और बस देखिए उसे उठाया भी नहीं जा रहा है। और पीहू ने ये सारा कुछ अपनी बैग में रख लिया है एंड शी इज़ रेडी टू गो टू स्कूल। बस उसे कपड़े पहनाने हैं और रेडी करना है। तो मैं जल्दी से उसे रेडी कर देती हूँ। All set? Yeah. Ready to go to school? Yeah. And grape syrup. All the best. Thank you. तो मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट आउट किए हुए हैं पॉइंट्स, उसके हिसाब से हम लोग आज बात करेंगे। तो पहले तो है हाउ टू टेक एडमिशंस कनाडा में। स्कूल में एडमिशन अगर आपको लेना है तो एलिमेंट्री स्कूल्स आप जहाँ भी रहते हैं, पहले सबसे पहले तो आपको आप जहाँ पर रहने वाले हो उसके आजू बाजू में आपको कौन से एलिमेंट्री स्कूल्स हैं और वो कितने अच्छे हैं वो देखना पड़ेगा। जैसे हमने जब मिसिसागर से हैमिल्टन मूव होने का डिसीजन लिया तब हमने पहले तो एरिया डिसाइड किया था कि हम लोग डाउनटाउन में नहीं रहना चाहते, हम लोग माउंटेन पर रहना चाहते हैं। और माउंटेन पर रहना है तो हमारे बजट में कौन सा, मतलब कौन कौन से अपार्टमेंट्स हैं। तो हमने वैसे लाइक 10 अपार्टमेंट्स शॉर्टलिस्ट किए थे।
उसमें से हमने पहले देखा कि कौन से अपार्टमेंट के नजदीक में कौन सा स्कूल्स है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी जो पीहू स्कूल में जा रही है वो स्कूल के बारे में हमें पता ही नहीं था। यहाँ से और एक स्कूल है आगे, वो हमने माइंड में रख के देखा था। तो दो अपार्टमेंट्स के बीच में वो स्कूल है, तो हमें वो या ये दोनों में से एक सिलेक्ट करना था और हमने फिर ये सिलेक्ट किया था। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ता है, इस हिसाब से आपको रेंट पर या फिर इवन आपको खुद का भी घर लेना है तो आपको स्कूल्स बहुत ही आपको बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा कि आपको कौन से स्कूल में आपके बच्चे को भेजना है। तो दैट इज़ आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट इफ यू आर सेंडिंग योर किड्स टू द स्कूल। फिर हमने कैसे एडमिशन लिया, तो एडमिशन प्रोसेस इज लाइक वेरी इजी। मैंने जो आपको स्कूल बताया था पहले, हमने वहाँ पर कॉल किया और हमने बताया कि हम लोग मिसेस आगा से यहाँ मूव हुए हैं। मैं यहाँ का प्रोसेस क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि जब हमने वहाँ पर उसका एडमिशन लिया था लास्ट ईयर तब कोविड चल रहा था, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। पर आई थिंक वो अभी किसी को भी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई जस्ट प्रे के वैसा सिचुएशन कभी भी ना आए। बस ऐसे ही हमने फोन किया था वो स्कूल में। फिर हमने जब वहां पर फोन किया तो उन्होंने बोला कि आपके एड्रेस के हिसाब से आपके बच्चे को यहाँ नहीं एडमिशन दिला सकते, आपके लिए दूसरा स्कूल है जहां पर अभी पीहू जा रही है। फिर हमने वो स्कूल में फोन किया और सबसे पहले वाइस प्रिंसिपल से हमने बात की थी एंड शी वॉज सो गुड। उन्होंने हमें बताया कि आप आपका ईमेल एड्रेस बताइए और हम आपको एक फॉर्म भेजेंगे, वो फॉर्म आप फिलअप करके हमारे पास लेकर आइए। ये प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ जून महीने का। जून में हमने ये सारा प्रोसेस किया, क्योंकि अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है कि आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस जून में करना है, क्योंकि जुलाई अगस्त ये दोनों महीने यहाँ पर स्कूल्स बंद रहती हैं, तो डेफिनेटली कोई भी टीचर्स काम नहीं करते, तब समर हॉलीडेज होते हैं यहाँ पर। तो ये सारा प्रोसेस आप जून में ख़त्म कर लीजिए ताकि आपका एडमिशन सिक्योर हो जाए। अगर आप लेट आते हैं तो आप डेफिनेटली स्कूल्स को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड दे विल फिगर एवरीथिंग आउट। हमने वहाँ पर जब फ़ोन किया तब उन्होंने हमें फॉर्म भेजा, फॉर्म के साथ साथ उन्होंने हमें लिस्ट का डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने मांगा था कि हमारा लीगल स्टेटस इन कैनेडा फॉर बोथ पेरेंट्स, अगर आप कस्टडी शेयर कर रहे हैं। कस्टडी शेयर कर रहे हैं मतलब यहाँ पर बहुत सारे सिंगल पेरेंट्स होते हैं जिनका डिवोर्स हो गया है, वो सेपरेटेड है, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको सिर्फ जो भी चाइल्ड की कस्टडी रखता है उनके ही डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, दूसरा पेरेंट्स की कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा। और फॉर्म में आपको फिलअप करना पड़ेगा अगर आप सेपरेटेड हो तो, के आपके दूसरे जो पेरेंट्स है बच्चे के वो उसको मिलने जा सकते हैं स्कूल में या फिर उसको पिकअप कर सकते हैं, वो सारा कुछ उसमें फिल करना पड़ेगा। हमारे केस में ऐसा कुछ था नहीं, तो हमारे दोनों के इमिग्रेशन स्टेटस, जब भी आप यहाँ पर मैं मेरी बात करूँ तो हम लोग वर्क परमिट होल्डर हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। तो यहाँ पर जब भी हम लोग हमारे चाइल्ड का एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं कि हमारे पास वर्क परमिट है, चाइल्ड के लिए कोई भी डिपेंडेंट वगैरह का डॉक्यूमेंट नहीं होता, उनके लिए विजिटर वीज़ा ही होता है। पर विजिटर वीज़ा के साथ वो लोग और एक डॉक्यूमेंट देते हैं, उसमें वो लोग उसकी पढ़ाई की परमिशन मेंशन करते हैं कि जब तक ये चाइल्ड यहाँ पर उसके पेरेंट्स के साथ है वो पढ़ सकता है। तो ये लेटर हमको स्कूल में सबमिट कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके वैक्सीन का डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो अगर आप लोग इंडिया से आ रहे हैं तो उसका आपके बच्चे का वैक्सीन कार्ड लाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यहाँ के कोई भी सर्टिफाइड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में जाके आपको यहाँ का वैक्सीन कार्ड बनवाना पड़ेगा, जो आप वैक्सीन कार्ड बनवा देंगे वही आपको सबमिट करना है। उसके साथ आपके बच्चे को अगर कोई भी हेल्थ कंडीशन है तो उसका मेंशन करना पड़ेगा।
और अगर आपको और कोई भी कंसर्न है चाइल्ड के लिए, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी आपको स्कूल को बताना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस करके हम लोग गए स्कूल में। हमें बहुत ही ज़्यादा वार्म वेलकम किया वाइस प्रिंसिपल ने। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स उसने देखे। वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी नहीं रखते हैं। आपके बच्चे का चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए, पर वो बर्थ सर्टिफिकेट की भी कॉपी अपने पास नहीं रखते हैं। सिर्फ वो देखते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो सारा ही चेक करके उन्होंने ये ले लिया। तो ये हो गया कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। फिर होता है टाइमिंग, स्कूल का टाइमिंग। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेने के बाद यहाँ पर, और तब आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि स्कूल कब स्टार्ट हो रही है, कुछ भी नहीं। सिर्फ उन्होंने बोला कि हम आपको जो स्कूल बोर्ड है उसमें हम लोग आपको रजिस्टर कर देंगे और यू विल स्टार्ट रिसीविंग ईमेल। उन्होंने हमें पूछा आपको बोथ पेरेंट्स को चाहिए ईमेल, तो हमने कहा हाँ। तो मेरे और मेरे हस्बैंड रौनक के सारे ही ईमेल आते हैं, तो हमें वन वीक के पहले ही ईमेल आ गया था कि स्कूल स्टार्ट होंगे। पीहू की जो क्लास टीचर है, क्लास एजुकेटर, उसने हमें फिर से एक ईमेल किया कि आप ये तारीख आप आइए स्कूल में, आप क्लास का एनवायरनमेंट देख के जाइए, और नेक्स्ट डे मतलब सिक्स को हम गए थे, और सेवेंथ मतलब आज से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो तब उसने जब ईमेल किया था तब उसने बताया भी था कि हमको क्या क्या लेके जाना है, बच्चों को क्या लेकर भेजना है स्कूल में। तो किंडरगार्टन में वो लोग को क्या भेजना है, तो उसको एक पैर हमने कपड़े भेजे हैं स्कूल में, अगर कुछ खेलते करते कपड़े गंदे हो गए तो वो लोग चेंज करवाएंगे। उसको हमने वो लोगों ने बोला था कि एक इंडोर शूज़ देना है, क्योंकि बाहर से जो शूज़ पहन के जाती है वो उसको क्लास में ना पहनने, हाइजीन रीज़न की वजह से, विच आई लाइक द मोस्ट। उसको हमने एक नए पैर शूज़ के वहाँ पर स्कूल में रखने के लिए दिए हैं। वो अपने बाहर के स्कूल के मतलब बाहर के शूज़ निकाल के स्कूल के शूज़ पहन के ही अंदर प्ले करेगी। और बस अच्छा सा बड़ी साइज का बैकपैक देना था जिसमें टू लंच जाएंगे उसके, वो लोगों को टू ब्रेक्स होती है तो उसके लिए उसको टू लंच बॉक्स देने थे, और पानी का बड़ा बॉटल देना था, एंड दैट्स इट। और कुछ भी नहीं चाहिए वो लोगों को। सारा ही मटेरियल, क्योंकि ये पब्लिक स्कूल है, गवर्नमेंट फंडेड है, तो वो लोग को स्कूल से दिया जा रहा है। हम लोग कल जब स्कूल में गए तब पीहू को उसका लॉकर दिखाया गया, उसने अपना लॉकर चेक किया, जो भी रखना था उसमें रख दिया, और बस उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे आप उसको स्कूल में रख दीजिएगा। तो आज सुबह हम लोग उसको स्कूल में छोड़ के आए। स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ पर अगर मैं उसकी बात करूँ तो इट्स अमेजिंग। अगर मैं और एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं कंपेयर करूँगी इंडियन के स्कूल वर्सेस कनाडा के स्कूल, बस तो आज से उसने उसकी स्कूल की जर्नी इन पर्सन स्टार्ट की है, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड की वजह से हमने वर्चुअल रखा था, तो पूरा साल उसने ऑनलाइन एजुकेशन लिया था। तो अभी ये साल से वो स्कूल जाएगी, एंड डेफिनेटली आई एम नॉट सैड बट आई मिस हर, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि शी इज स्टार्टिंग हर न्यू जर्नी इन कैनेडा, हर स्कूल लाइफ। तो बस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ के स्कूल और इंडिया के स्कूल में क्या क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको क्या पसंद आया। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो भी कमेंट में बताइए, आई विल डेफिनेटली गिव आंसर टू इट। तो हम फिर मिले, तब तक जय श्री कृष्णा।